जैन दोस्तों, क्या हाल है। मैंने दो दिन पहले Y200 का रिव्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था और Vivo Y200 के रिव्यू वीडियो के लास्ट में मैंने आप लोग को बताया था Vivo Y200 22,000 के अंदर एवरेज स्पेक्स देता है और 25,000 के अंदर इससे भी अच्छे फोन्स मिलते हैं। Vivo Y200 और Vivo T2 Pro दोनों ही अपने सीरीज का लेटेस्ट फोन है और दोनों ही फोन का प्राइस आपको 25,000 के अंदर मिल जाता है। अगर आप 25,000 के अंदर नया फोन लेना चाहते हैं और आप कंफ्यूज है कि कौन सा फोन लेना चाहिए, आइए करते हैं दोनों फोन को कंपेयर और जानते हैं आपके लिए कौन सा फोन सही होने वाला। तो सबसे पहले प्राइस पॉइंट से शुरू करते हैं। Vivo Y200 आपको 22,000 का मिलेगा और Vivo T2 Pro आप लोग को 24,000 में। दोनों फोन के प्राइस में 2,000 का डिफरेंस है, क्यों है आगे आपको पता चल रहा है। दोनों फोन में आपको सिमिलर पोर्ट एंड बटन आपको देखने के लिए मिल जाता है। राइट हैंड साइड में आपको पावर बटन और वॉल्यूम लॉकर मिलेगा। नीचे की साइड स्पीकर, माइक्रोफोन, टाइप सी पोर्ट और सिम ट्रे है। ऊपर के साइड नॉइस कैंसिलेशन माइक है। लेफ्ट हैंड साइड में कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में। सबसे पहले मैं बात करूंगा Vivo Y200 के बारे में, उसके बारे में बात करूंगा Vivo T2 Pro के बारे में। Vivo Y200 का लुक और डिजाइन प्रीमियम है। बैक एजी ग्लास के साथ आता है, रैम प्लास्टिक का है और बॉक्सी स्टाइल में आता है। Vivo Y200 दो कलर में मिलता है, ग्रीन और गोल्ड। 190 ग्राम का वेट है और IP54 का रेटिंग। T2 Pro का लुक और डिजाइन प्रीमियम है और यह भी फोन एजी ग्लास फिनिश के साथ आता है और फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का है। यह फोन भी दो कलर में मिलता है, गोल्ड और ब्लैक। 7.36 mm का थिकनेस और 175 ग्राम का वेट है, साथ ही IP52 का रेटिंग है। अगर आपको लाइट वेट फोन आपको पसंद आता है तो आपके लिए Vivo T2 Pro सही रहने वाला है, क्योंकि Vivo T2 Pro Vivo Y200 से लाइट वेट है। Vivo Y200 का डिस्प्ले साइज 6.67 इंच फुल HD प्लस A4 AMOLED डिस्प्ले, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और 800 nits का पीक ब्राइटनेस मिलेगा। वही Vivo T2 Pro में 6.78 इंच फुल HD प्लस कर्व AMOLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120Hz है और 1200 nits का टच सैंपलिंग रेट मिलता है और 1300 nits का पीक ब्राइटनेस। तो डिस्प्ले में सबसे पहला डिफरेंस आता है Y200 में फ्लैट डिस्प्ले है और Vivo T2 Pro में कर्व डिस्प्ले है। यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा डिस्प्ले पसंद आता है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो अभी लेटेस्ट में अभी ट्रेंडिंग में चल रहा है कर्व डिस्प्ले। अगर आपको कर्व डिस्प्ले चाहिए तो T2 Pro आपके लिए सही रहने वाला है। अगर आपको फ्लैट डिस्प्ले पसंद आता है तो आपके लिए Vivo Y200 सही रहे। नेक्स्ट डिफरेंस आपको पीक ब्राइटनेस में मिलेगा। Vivo Y200 में आप लोग को 800 nits का पीक ब्राइटनेस मिलता है, वहीं T2 Pro में आप लोग को 1300 nits का पीक ब्राइटनेस। अगर आपको ज्यादा ब्राइटनेस वाला फोन चाहिए ताकि आपको आउटडोर में प्रॉब्लम ना हो तो आपके लिए T2 Pro सही रहने वाला है। दोनों फोन में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। दोनों ही स्मार्टफोन में धरती आसमान का फर्क है, क्योंकि Vivo Y200 में आपको स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 प्रोसेसर मिलता है, जो कि 6 nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। वहीं T2 Pro में आप लोगों को Dimensity 7200 chipset मिलता है, जो कि 4 nm पे बेस्ड है। अगर आपका रिक्वायरमेंट परफॉर्मेंस है और हैवी गेमिंग करते हो तो आपके लिए T2 Pro सही रहने वाला है। Y200 का अंतिम स्कोर 4 lakh प्लस निकल के आता है, वहीं T2 Pro में आप लोग को 7 लाख से भी ज्यादा का अंतिम स्कोर देखने के लिए मिल जाता है। अगर आप हैवी टास्क करना चाहते हो, लाइक एडिटिंग हो गया, गेमिंग हो गया, तो आपके लिए T2 Pro सही रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे आपको 1.5 से 2 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको T2 Pro में मिलेगा Vivo Y200 के मुकाबले। दोनों फोन में आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और दोनों फोन का प्राइमरी कैमरा 64 megapixel का है और 2 megapixel का डेप्थ कैमरा। दोनों फोन के वीडियोग्राफी में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिल जाता है। Vivo Y200 में 1080p 30fps का सपोर्ट है, वहीं पे Vivo T2 Pro में 4K तक का सपोर्ट आपको मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा के बारे में बात करूं, दोनों फोन में आपको 16 megapixel का सेल्फी कैमरा देखने के लिए मिलता है, जिससे आप लोग 1080p तक का वीडियो को रिकॉर्ड कर पाओगे। Vivo Y200 में 48mAh का बैटरी और 44W का चार्जिंग सपोर्ट करता है, वहीं Vivo T2 Pro में 4400mAh का बैटरी और 66W का चार्जिंग सपोर्ट करता है। दोनों फोन 4G और 5G का सपोर्ट करते हैं, साथ ही वाईफाई और ब्लूटूथ दोनों को ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन Y200 में जो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम आपको देखने के लिए मिलता है नेटवर्क कनेक्टिविटी के हिसाब से, Vivo Y200 में आपको ब्लूटूथ और वाईफाई का ओल्ड वर्जन मिलेगा, साथ ही Y200 में 7 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। वहीं T2 Pro में 10 5G बैंड्स का सपोर्ट मिलता है। अब प्राइस एंड वेरिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। Vivo Y200 8GB 128GB इसका प्राइस है ₹22,000 और T2 Pro 8GB 128GB का प्राइस है ₹24,000। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है बाई करने के लिए दोनों में से कोई फोन को, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उसमें क्लिक कर आप लोग परचेस कर सकते हो। अब बात करते हैं कंक्लूजन के बारे में। अगर आप अपने बजट को 22,000 से 24,000 तक इंक्रीज कर सकते हो तो आपको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि Vivo T2 Pro आपके लिए सही रहने वाला है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि Vivo T2 में आपको 3D कर्व डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिल जाता है, साथ ही परफॉर्मेंस करे Dimensity 7200 4nm चिपसेट मिलेगा, जो कि स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 से 1.5 से 2 गुना ज्यादा परफॉर्मेंस आपको निकाल के देगा। तो Y200 में मुझे दो सबसे बड़े प्रॉब्लम मुझे देखने के लिए मिले हैं। सबसे पहला है कि वाईफाई और ब्लूटूथ का पुराना वाला वर्जन आपको इंस्टॉल मिलता है Vivo Y200
200 में साथ ही 7.5G बैंड आपको देखने के लिए मिलेगा। 7.8+5G बैंड से जो कि काफी ज्यादा कम है इस प्राइस रेंज के हिसाब से, क्योंकि इससे ज्यादा आपको Vivo T2 Pro में मिलेगा। 10.5G बैंड आपको Vivo T2 Pro में मिल जाता है। अगर आप अपने बजट को 2000 रुपए इंक्रीज कर सकते हो तो आपको इंक्रीज करना चाहिए। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और दोनों में से कौन सा फोन आपको पसंद है कमेंट करके जरूर से बताइएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।